हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस पोस्ट के ऊपर। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, मतलब कंप्लीट डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट आई है। तो यूपी ट्रिपल एससी होता क्या है? उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के तहत ये वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 277 पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी देखें, जनरल के लिए 103, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, ओबीसी के लिए 65, एससी के लिए 81 एंड एसटी के लिए 8 सीट यहां पर रखी गई है। रही बात कि आपका ये फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, तो ऑलरेडी स्टार्टेड है 17 अक्टूबर से। लास्ट डेट टू अप्लाई आपका रहने वाला है 6 नवंबर 2023। एज लिमिट अगर देखी जाए तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of July 2023। मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी एससी एसटी को 5 ईयर्स का। अदर कैटेगरी आप अपना रिजर्वेशन जो है देख सकते हो नोटिफिकेशन में, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। फॉर्म की फी ऑल कैंडिडेट से 25 रुपीज ली जाएगी। ये सबसे सही चीज लगती है मुझे यूपी गवर्नमेंट की, जो भी वैकेंसी आती है ना उसमें बहुत ही कम फी चार्ज की जाती है, क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके पास उतना ज्यादा पैसा बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, अगर 1000-2000 फॉर्म की फी हो तो। तो चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो आपका फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। मतलब कि वही बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का पेपर दिया था 2022 वाला। 10+2 पास आउट होने चाहिए कैंडिडेट। साथ ही साथ हिंदी का जो टाइपिंग होता है ना, 25 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। स्टेनो के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट। साथ ही साथ एनआईई एलआईटी सीसीसी मतलब ट्रिपल सी एग्जाम पास या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर 5 स्टेज पे डिपेंडेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, मतलब जो यूपी ट्रिपल एससी होता है ना पीईटी स्कोर कार्ड, उसके आधार पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सेकेंड होगा आपका रिटेन एग्जाम, देन होगा आपका स्किल टेस्ट, फिर डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगी, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने से पहले एग्जाम की पैटर्न हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आपका जो पेपर होगा फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन का होगा 80 मार्क्स के लिए। समय दिया जाएगा 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ तो हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए, जीके के 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, मीन्स कि पर क्वेश्चन आपको 0.5 मार्क्स दिया जाएगा। सो आई होप कि आप एग्जाम की पैटर्न समझ गए होंगे। देन होगी आपकी स्किल टेस्ट, उसमें टाइपिंग जो होगा ना हिंदी शॉर्ट हैंड रहेगा 80 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट। तो जब आप ये क्लियर कर लेते हो, टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर डीवी एंड मेडिकल के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। पोस्टिंग कहाँ रहेगी, तो यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वैकेंसी आई है। यूपी का है तो वहीं पे आपको जाके एग्जाम भी देना होगा और वहीं पे आपका जो है पोस्टिंग भी रहेगा। अब ये बात जान लीजिए कि ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी। बच्चों को बहुत ज्यादा इससे होता है ना मोटिवेशन मिलता है, तो स्टार्टिंग सैलरी होगी 29,200 रुपीज एंड आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस 92,300 रुपीज आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाती है पर ईयर इंक्रीमेंट के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पेपर कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपका जो पेपर होगा फ्रेंड्स दिसंबर 2023 से लेके
आपका जनवरी 2024 के बीच में, मतलब कभी भी आपका पेपर हो सकता है इन दो मंथ के बीच में। तो घबराना नहीं है, फॉर्म आया है, तैयारी करिए, अच्छी तैयारी रखोगे तो एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड आई होप कि मैंने आपको जो कुछ भी डिटेल वगैरह बताया आप अच्छे से क्लियरली समझ पाए होंगे, और थोड़ी सी भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन है यहाँ पे पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं इसका जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना ताकि मेरी सारी न्यू अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।